वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों के दिनों में हम अपनी स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी फेस को अच्छे से कवर तो करते ही हैं, बट जो सनरेज इतनी ज्यादा तीखी होती है कि हमारे स्किन तक पहुंच ही जाती है। तो परेशान मत होइएगा, उसके लिए बहुत ही आसान और सिंपल घरेलू नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें ज्यादातर चीजें तो ऐसी ही है जो कि हमारे घर पर अवेलेबल होती ही है। तो इस फेस पैक को बनाना कैसे है मैं सारा आपको बताऊंगी, और इसे यूज कैसे करना है जैसे मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल वैसे ही यूज करना, और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको स्किन के रिलेटेड, हेयर के रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, और उसके बाद ऐड करेंगे मैदा। मैदा हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट और टाइट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चीज़ वो है बेसन। बेसन हमारी स्किन को बेदाग बनाने में, यंग बनाने में, फेयर और ग्लोइंग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके बाद ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी में नाइट्रोक्साइड गैस होती है जो कि हमारी स्किन को एक जान देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और हमारी स्किन को रिफ्रेश करती है। और इसके बाद हम इसे ऐड करेंगे कच्चा दूध। ध्यान रहे कि आपने कच्चा दूध ही लेना है, क्योंकि कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन को रिफ्रेश करता है, लाइट और ब्राइट बनाने में हेल्पफुल है। और लास्ट में हम डालेंगे हनी। हनी हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और जो एक्सेस ऑयल यानी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो देखिए, हमारा पैक बनकर तैयार है। तो अभी इसको फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। फेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले आप अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिएगा। मैं यहाँ कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो रोज वाटर भी ले सकते हैं। दोनों ही हमारी स्किन को क्लीन करते हैं। किसी भी फेस पैक को अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को क्लीन जरूर करना चाहिए, ताकि जो भी हमने फेस पैक तैयार किया उसके सारी बेनिफिट हमें मिल सके। और उसके बाद जो हमने फेस पैक तैयार किया अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। और जब ये फेस पैक आपके पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए, आपने 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा होममेड पैक। तो इसको यूज करने से आपके जो सन टैनिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी खत्म होगी, और आप इसे हफ्ते में 3 बार यूज कीजिएगा, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम्स है वो भी रिमूव हो जाएगी, और अगर आपके फेस के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, तो वो सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और इस पर रेमेडी को यूज़ कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके रिजल्ट आपको कैसे लगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।